girls with their nails done wrong. सो हे गाइस, कैसे हुए आप लोग? आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की वीडियो बवाल होने वाली है 29 किलो गेम प्ले में। तो सोच लो भाई, क्या ही तबाही मचाऊंगा लॉबी के अंदर। हाँ, पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है। मालूम मेरे को उतना व्यू नहीं आएगा जो रेगुलर बेसिस पे आया करता था। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। देखो यार, तबीयत ख़राब चल रहा था, बुखार बुखार चल रहा था और सच बताऊँ तो गेम नहीं खेल पाता था। और जो लोग भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर, उनको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं गेम खेल भी रहा था, बस एक आध टीडीएम खेलता था, भग जाता था उसके बाद। क्योंकि भाई देखो, तबीयत इतनी ख़राब होती थी कि मतलब सही से स्क्रीन को देख नहीं सक रहा था मैं। लेकिन हाँ, जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं सीधा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और एक सब्सक्राइबर के साथ में ही वीडियो बनाया था। तो देख के बताना यार, वीडियो कैसी बनी है। तुम फिलहाल यार देखो, ये वाली जगह पर आता हूँ, इसको नॉक करते हैं। साला किल चोरी कर रहा है मेरा। फिलहाल ये किल के लिए अगर लाइक नहीं किया है ना तो भाई जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी यार। जाओ जाकर डूब मरो। अरे अरे मत जाना यार, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लो। हाँ, फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना और बताना वो किल कैसा था। फिलहाल देखो यार, उस बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ और सीधा चल जाते हूँ उसके पास में। क्योंकि भाई देखो, उसका टीममेट उसको बचाने कंफर्म आने वाला है क्योंकि नॉक हुआ है, चिल्लाएगा। और पोचिंकी में आसपास ढेर सारे बंदे हैं तो चांसेस इसका टीममेट अगल बगल ही हो। और जैसे इसका टीममेट आता है, नहीं मतलब इतने मेहनत से भाई तुमको नॉक किया है इतना अच्छा किल के साथ में, तुम रिवाइव दोगे उसको? फिलहाल भाई को फिनिश कर देते हैं और इसको जैसे निपटाता है, उसका टीममेट इसको बचाने आता है। और नहीं बोलने वाला कुछ मैं, बस तुम लोग देख के बताओ यार क्या सीन है यहाँ पे। ये बंदा क्या भयानक कैंप किया था। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली देख के लग रहा था कि बंदा भागा है ऊपर, मुझे भी लगा था, लेकिन देखो कहाँ से निकलेगा। एकेएम लेके बंदा कैंप कर रहा है, तो इस कैंपर के लिए एक लाइक बनता है। और लाइक नहीं किया ना अभी तक, क्या जाकर लाइक करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिलहाल पूछें कि अभी बंदे उतरे हुए थे तो भाई देखो निपटाना बनता है उसको बारी बारी करके। देखो यार, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, यहाँ पे मेरा एम बहुत ही गंदा चोक हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक को तो नॉक कर दिया था, वो प्रोबेबली चांस ये है कि वो अपने टीममेट को रिवाइव देगा। और मेरे टीममेट भैया पता नहीं कौन सा गांजा वांजा फूक के रखे हैं, साला आ ही नहीं रहे पास में। लेकिन जब आते हैं तो रिकॉल मिल जाता है और मैं बस देखो यार क्या ही निपटाया उन बंदों को। सबसे पहले यहाँ पे मैं बारिश करता हूँ नेड और मॉली की। तो फाइनली इन लोगों को फिनिश कर दिया था, अपना बतला कंप्लीट हो गया था। और जो बंदे बच रहे हैं वो सामने की तरफ हैं। और भाई सामने के एक्सुल्ट वाला ही बंदा है जो कि देखना, बस तुम दिखेगा तुमको। फिलहाल देखो यहाँ से मुझे एकदम हल्की सी फुटस्टेप पाई थी, जो सामने आपको एकदम पीछे में जो वेयर हाउस दिखा है ना, वहाँ पे एक बंदे की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख दाख के आगे बढ़ रहा था क्योंकि देखो कैंपर लॉबी है, बंदे कैंप करते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दबा के। और सच बताऊँ तो यार, बहुत दिन के बाद मतलब अच्छे खासे किल के साथ चिकन निकला है, तो थोड़ा सा मैं डर भी रहा था कि भैया कहीं गलत कांड ना हो जाए मेरे साथ में। फिलहाल देखो सामने से फुटस्टेप आई थी, मैं नेट करता हूँ और रश कर देता हूँ। और नीचे देखो कौन है, नहीं मतलब एकदम भयंकर वाला जिगल कर रहा है इधर से उधर, जोनाथन बना पड़ा है। फिलहाल भाई को निपटा दिया था, इसका जो टीममेट था सामने की तरफ से फुटस्टेप दे रहा था, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। और मतलब पूरा प्री फायर देना है ना, एकदम पूरा बुलेट खत्म कर देना है भाई। फिलहाल इसको फिनिश कर दिया था। सामने जो वेयर हाउस थे वहाँ पे दो बंदे आ चुके होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं, और देखो बस इनको कैसे निपटाते हैं। और थोड़ा सा मैं पेशेंस ले लेके खेल रहा था। अब शायद इस बंदे को लग रहा था कि मैं अंदर छिपा हूँ, वहाँ से कुछ स्टेप आ रही है, लेकिन यार नीचे से आ रहा था तो कर देते हैं उसको फिनिश। फिलहाल इस बंदे ने एक को नॉक भी किया था, मैं उसको किल भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे लूट जैसे मैं कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे वो एक्सुल्ट वाला बंदा जंप कर जाता है। और जब तुम सीन देखो यार भाई, जो हुआ ना एकदम सडनली हो गया था, यहाँ पे मैं संभाल नहीं पाया। लेकिन अच्छा खासा डैमेज दे दिया था टीममेट ने, एक दो बुलेट मारी, नॉक हो गया। यहाँ पे मुझे रिवाइव मिल जाता है, उसके बाद यहाँ से एक यूएस
सिर्फ बंदा जा रहा होता है, मैं फायर करके उसको रोकने का ट्राई करता हूँ, बंदा रुक भी जाता है। और जब मैं लूट कर रहा होता हूँ तो मेरे M4 में 6x लगा हुआ था, उसको मैंने एडजस्ट भी नहीं किया था, और बंदा सामने। फिलहाल भाई यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं, टीममेट को रिकॉल करते हैं। उसके बाद बंदे हंट करने हम लोग आते हैं अपार्टमेंट के पास में। यहाँ पे मालूम चलता है ये लोग बंदे जो होते हैं वो ऑलरेडी फाइट कर रहे होते हैं किसी से। और ये जो खिड़की वाला बंदा है ना, जंप करेगा, बिल्कुल करेगा। भाई को नॉक करते हैं, इसके टीममेट्स ऊपर मंडरा रहे हैं, तो निपटाते हैं इनको भी जाके। देखो यार, ऐसे सब कैंपर आपको कभी भी अगर दिख जाए, अगर आप मर जाओ तो कसम से ऑल पे जाकर उनकी इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देना कि भाई वो गेम डिलीट करने पे मजबूर हो जाए। फिलहाल देखो, वो वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और देखो यहाँ पे कैंपर कहाँ लेटा हुआ है। बस तुम देखो भाई, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन जब पता चलता है ना तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। फिलहाल यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ, दोबारा रिकॉल होके आता हूँ। उसके बाद फिर मैं और टीममेट जाते हैं थोड़ा बंदे बंदे हंट करने। इतने में हम लोग को ड्रॉप दिखती है, ड्रॉप पे बंदे थे, और टीममेट बता रहा है यहाँ पे बंदे नहीं है। लेकिन यहाँ पे यार देखो कितने सारे बंदे हैं। और भाई कौन कौन सी गन नहीं चल रही है तुम बस सुनो यहाँ पे आवाज़ें। तो यार कर देते हैं इनकी स्क्वाड को फिनिश, और इनकी स्क्वाड को फिनिश करने के बाद तगड़ी लूट मिल जाती है। मेरा टीममेट तो भैया पूरा ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसको क्या ही लूट मिली थी। फिलहाल वहाँ से निकलने आते हैं हम लोग बंदे हंट करने। भाई देखो यहाँ पे सस्ते नस्ते बग्गी के, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो भाई बताओ नीचे कॉमेंट में जाके कब हुआ है। फिलहाल देखो यार, बग्गी के नस्ते देखने के बाद तो यार मेरे को मन कर दिया कि मैं मर जाऊँ, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ बंदे हंट करने। यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो रही थी, कुछ बंदे यहाँ पे नॉक वगैरह भी थे, तो थोड़ा देखते हैं। और देखो टीममेट कहाँ गाड़ी रोका है, एकदम सांप के सामने। और साला मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, ये जब से घास बड़ी है ना BGMI की, भैया सांप दिखने ऐसे बंद हुए हैं कि पूछो मत। मतलब गिली सूट का कोई जरूरत ही नहीं है भैया गेम में। अभी एक सांप को मारा हूँ, दो सांप और लेटे हुए हैं, देखो तुम, एक दो। तो यार इनकी सांपों की स्क्वाड को फिनिश करने में निपटाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। वैसे फिनिश करना निपटाना दोनों तो एक ही बात होती है। फिलहाल देखो यार यहाँ पे एक बंदा नॉक था पहले से ही, उसको निपटाते हैं। इसका टीममेट सामने से झांक रहा होता है, खत्म करते हैं इसको भी यार। अब देखो सच बताऊंगा तुमको, इस बंदे को निपटा दिया था, बड़ा मज़ा आया था मेरे को मारने में। फिलहाल वहाँ से निकल के मैं ये वाली जगह पे आता हूँ, और यहाँ पे एक बंदा सांप बना हुआ है अगेन। भाई क्यों कर रहे हो इतने कैंप यार, मत करो इतना कैंप। फिलहाल इसको भी फिनिश कर दिया था, और पीछे के साइड से एक बंदा स्नाइपर से बहुत देर से फायर कर रहा होता है, तो थोड़ा मुक्ति देते हैं उसको भी, तो कर देते इस बंदे को फिनिश। फिलहाल इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम लोग के अलावा बस तीन बंदे और बच रहे होते हैं, जो कि प्रॉबेबली चांस है कि सामने की तरफ जोन में ही होंगे। और हम लोग जैसे जोन के अंदर आते हैं वो तीनों बंदे हम लोग को यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, तो बारी बारी करके सबको निपटाते हैं। देखो यार तुम लोग को मम्मी कसम है, मेरे को तुम नीचे कमेंट में जाकर बताओ कि तुमको ये सांप दिखा था कि नहीं दिखा था। भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा था, हो सकता है मेरा आँख खराब हो, तुम लोग बताना नीचे कमेंट में। फिलहाल देखो यार, जो गिली सूट वाला बंदा है वो सामने जाकर रुक चुका है, और सच बताऊँ तुमको वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल रहा है, और हम लोग ओपन में फंस चुके हैं इधर, और जोन भी हम लोग पे नहीं है, जोन उसके ऊपर है, तो पूरा एडवांटेज में वो है। तो बस देखो यहाँ पे क्या ही सिचुएशन हो जाता है, और यहाँ से मैं कैसे बचाऊँ। अगर आप लोग ऐसा सब सिचुएशन में मतलब फंस जाओ कभी धोखा वोखा से, तो कैसे निकलोगे मैं बता दे रहा हूँ आपको, पूरा वॉच कर लो इस चीज़ को, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं टीममेट को बोलता हूँ तुम सामने वाले बंदे को देखो यार कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, लोकेशन पता करो। तब तक यहाँ पे मैं बूस्ट कर लेता हूँ, और टीममेट को भी बोलता हूँ कि भाई तुम पीछे आओ आराम से बूस्ट वगैरह कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और इधर से मैं पीछे से जंप करके थोड़ा जाता हूँ चेक वेक करने के सामने वाला बंदा कहाँ पे है, क्योंकि देखो उसके पास में ग्ली सूट है, तो ऑब्वियसली चांस होगा कि Level 3 की कोई गन भी वगैरह हो उसके पास हो सकती है, मतलब कि मशीन गन हो सकती है, जो नई मशीन गन आई है, क्या नाम है उसका यार, नाम भी मैं मतलब याद नहीं है नाम यार, क्या बोलूँ, जज मत करना भे, यूट्यूबर का नाम याद नहीं रखता भाई, नहीं रहता कभी कभी याद। फिलहाल देखो यार यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, जब बंदा नहीं दिखता है तो मैं सोचता हूँ चलो एकदम पूरा लंबा सा एकदम रोटेशन लेते हैं उसके ऊपर, और देखो तुम
अब यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, लंबा लोकेशन इसलिए ले रहा हूँ कि अगर बंदा वहाँ से फायर भी करे तो हम लोग को अच्छा खासा डैमेज ना हो, हल्का फल्का ही डैमेज हो। और यहाँ से हम लोग रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, सामने से गिली सूट वाला बंदा दिख जाता है और कर देते हैं इस बंदे को फिनिश। तो हाँ गाइज, आज की वीडियो में बस इतना था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आज की वीडियो को लाइक है। अरे माँ की आँख, इसको कैसे मिल गया MVP? हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ लाइक है, मैं नहीं रखते कुछ, जो मन करे तुम करवा दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।